दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर अभी अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तब से अनिल देशमुख लगातार जेल के अंदर ही बंद हैं। लेकिन इसके साथ में ही अनिल देशमुख के खिलाफ में सीबीआई की टीम भी छानबीन कर रही है। सीबीआई के साथ में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा भी चंडीवाल कमेटी बैठाई गई है। चंडीवाल कमेटी जो है पिछले काफ़ी टाइम से छानबीन इस केस में कर रही है, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि चंडीवाल कमेटी की जो जांच है वो फाइनली अब कंप्लीट हो चुकी है और एक से दो दिन के अंदर अंदर चंडीवाल कमेटी अनिल देशमुख के केस में जो जांच कर रही थी उस पर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। आपको बता दूं कि चंडीवाल कमेटी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 31 मार्च तक का टाइम दिया गया था। पिछले जब से इनको छानबीन में लगाया गया अनिल देशमुख केस में, तब से 31 मार्च तक का जो भी इनको फैसला करना है, जो भी चीज़ें इनको छानबीन करना है, उसको छानबीन करके 31 मार्च तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपनी थी। अब इसको लेकर अपडेट आ रही है कि जो चंडीवाल कमेटी हैं इन्होंने अपनी जांच कंप्लीट कर ली है और समय रहते हुए, मतलब कि 31 मार्च से पहले पहले अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप देंगे। अब इस जांच रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या खुलासा होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि अनिल देशमुख के इस केस में सचिन वजह से लेकर परमवीर सिंह और साथ में ही जो अनिल देशमुख के असिस्टेंट हैं उन सारे के सारे लोगों का बयान दर्ज कराया गया है चंडीवाल कमेटी के सामने। और इस यही नहीं, इसमें कई और लोगों का नाम लिया गया है। जैसा कि सूत्रों से स्टार्टिंग में अपडेट आ रही थी कि इसमें जो है कई और मंत्रियों का नाम लिया गया था, यहां तक कि अनिल देशमुख ने भी अनिल परब से लेकर कई और लोगों का नाम लिए थे। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे जब चंडीवाल कमेटी के सामने रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसमें किन किन लोगों का नाम है और इसमें और किन किन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात थी इसमें जो है परमवीर सिंह को देखने वाली बात होगी, क्योंकि सारा का सारा आरोप जो है वो परमवीर सिंह के ऊपर भी लगाने की कोशिश की गई थी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।